मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू पापा, थैंक यू। खुश रहो बेटा, चल अब जल्दी से अच्छी सी चाय पिला दे। जी। वाह जी वाह, मेरे सामने अपनी बेटी से मेरी बात चिपका दी ताकि मेरा वो बंद रहे। अरे जोरू का गुलाम ही बनना था, उसी की बात माननी थी तो माँ के सामने शेर क्यों बना फिरता है? खाम खाई, तेरे चक्कर में मैं विलन बन जाती हूँ। क्यों माँ, पहले तुमने नहीं कहा कि बच्चों की नाराजगियाँ आगे चलकर माँ बाप के ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं? कहा था ना। अब मैंने कुछ नहीं बोलना है। बेटा माँ ने इतनी देर से किचन में पेड़े बनाए हैं, अब तू चाय बनाकर जल्दी से फॉर्म भर ले, कल मैं खुद चलूंगा तेरे साथ कॉलेज। जी पापा। थैंक यू सो मच मम, यू आर द बेस्ट। खुश। ओ भाई, किसके ख्यालों में खोया हुआ है? ये अब तक सोया नहीं। बोलना भाई, क्या हुआ? पता नहीं यार, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये फोन है या किसी बैंक का लॉकर। पता नहीं बंदी ने क्या कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखा है। 15-20 बार ट्राई कर चुका हूँ फोन को खोलने की, पर खुल ही नहीं रहा है। वो लड़का फोन के लिए परेशान होगा, कल कॉलेज जाते ही उसका फोन वापस कर दूंगी। भाई डीन ने ऑफिस बुलाया था, मेरे खुद के पसीने छूट रहे हैं। जल्दी चलो यार। एक तो उनकी भी गुड मॉर्निंग मेरे बिना नहीं होती। चल। अरे भाई ऐसे कैसे जाएगा, पहले कपड़े तो बदल ले। यार दोनों मिलके एक बार में डिसाइड कर लो, जल्दी चलना है या कपड़े चेंज करके चलना है। भाई जल्दी भी चलना है और कपड़े भी चेंज करके चलना है, अब जल्दी चलो यार।
बेटा ऑफिस से फोन है, तुम रिसेप्शन पे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हेलो जी सर, सर मैं वो थोड़ा कॉलेज आया था ना बच्ची के एडमिशन के लिए। ओके सर, ओके जी जी जी। रणवीर सुनो, बिना किसी ड्रामे के सॉरी बोल देना, इनसाइड इन्फो मिली है कि मैटर बहुत सीरियस है, सो प्लीज जस्ट लिसन टू मी, ओके? मैटर बहुत सीरियस है सर, वी ऑल नो रणवीर कॉलेज टॉपर रह चुका है एंड स्पोर्ट्स में भी ही इज अ ही बीन अ चैंपियन, बट उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं है। देखिए क्या हालत कर दी इसे मार के उसकी। भाई बेस्ट ऑफ लक, जंग लड़ने जा रहा हूं मैं, जो तो ऑल द बेस्ट बोल रहा है मुझे। भाई अंदर कुछ भी करना, बस सॉरी बोल के आना यार। रणवीर प्लीज मेरी बात ना, तुम और आज अगर उसने सॉरी नहीं बोला तो मैं कम इन सर। यस प्लीज। देखो रणवीर, आई नो व्हाट हैपेंड हियर, तुम्हें इनसे सॉरी बोलना होगा और इस बात को यही खत्म करना होगा। सॉरी बोलो। सॉरी नहीं बोलूंगा मैं, गलती करने पर सॉरी बोला जाता है, गलती करने वाले को सॉरी नहीं बोला जाता। देखो रणवीर, आई अंडरस्टैंड कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो जाता है, जस्ट एंड इट। सॉरी बोलो, ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। मुझे आपकी तरह झूठी बातें बनाना नहीं आता और आपकी रेपुटेशन उठाने के लिए मैं खुद को अपनी नजरों में नहीं गिरा सकता। मिस्टर विक्रांत, तुम पब्लिकली मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो काम तो आप खुद ही कर रहे हैं। सुबह आईने में अपना चेहरा देखते हैं, हंसी नहीं आती खुद पर। दुनिया आप कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रही है, आप न जाने कब से अपने चेहरे पर ये झूठ का मास्क चढ़ाकर घूम रहे हैं। असली चेहरा याद है आपको अपना, वो भी रिश्तों की तरह भूल गए। मैं यहाँ सिर्फ सिर्फ अपनी सोशल इमेज ठीक करने आए, राइट? That's not my responsibility, मिस्टर विक्रांत। जो मेरे दिल में होता है वो मेरी जुबान पर होता है, और जो मेरी जुबान पर होता है मैं वही करता। And once again, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। रणवीर तुम्हें कई बार पहले भी वार्निंग्स दी जा चुकी है, इस बार बेहतर होगा तुम सॉरी बोल ही दो, वरना ना क्या सर, इन्वेस्टिगेट कर देंगे। सोच लो अच्छी तरह। सोच कर साजिशें रची जाती है सर, फैसले नहीं लिए जाते। एंड आई हैव डिसाइडेड, ये कॉलेज मुझे डिजर्व नहीं करता। रिया, कौन है ये लड़का? मतलब मुझे कॉलेज ज्वाइन करने का इतनी मुश्किल से एक चांस मिल रहा है और ये एक सॉरी के लिए इतना अच्छा चांस छोड़ रहा है। इतना बुरा भी नहीं है जितना तो समझ रही है। छोड़ना, तू मेरी दोस्त है या उसकी? ऑफ कोर्स तेरी दोस्त हूँ। एनीवे तुझे तो फॉर्म भरना है ना, आंटी वेट कर रही होगी। जान नहीं, माँ नहीं, पापा आए हैं आज। अंकल आए हैं। अंकल तो इधर ही आ रहे हैं, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, बाय।
और नहीं मैं ऐसी शर्त पे तुम्हारा फॉर्म भरूंगा कि तुम्हें रिया और इसके जैसी लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट लगा दिए पूरे? जी। ओ भाई सॉरी बोल दिया ना अंदर कि नहीं? नहीं बोला भाई। लड़ाई में चोट गाल पे लगी है, दिमाग पे। छोटी सी बात के लिए करर के साथ मजाक क्यों करा है यार? प्लीज यार सॉरी बोल देना यार। तू जानता है मैं अपने बाप से कितनी नफरत करता हूँ, अब तू मेरा बाप मत बन। तेरे चक्कर में मिस एडमिशन फॉर्म भी निकल गई। अगर वो नहीं मिली ना तो तेरा रॉकी से बुरा हाल करूंगा मैं। अब जा जाके ढूंढ उसे। अरे बेटा रणवीर। मैं राकेश, आपके पापा विक्रांत जी का मैनेजर। एक्चुअली मेरी बेटी यहाँ पढ़ने आने वाली है। आप यहाँ के सीनियर हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर देना बेटा। तो क्या है ना, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई है तो यहाँ के माहौल की आदी नहीं है। बेटा अगर आप जिम्मेदारी ले लो तो मैं निश्चित हो जाऊंगा। सुहानी बेटा यहाँ। ये है मेरी बेटी सुहानी। अब चाहे घर में डूबू, अब चाहे फना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊं। तेरे इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई। खाबों की मिट्टी में जो बोई थी मैंने दुआएं, अक्स तेरा लेके उभरी। राकेश जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज से ये मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू बेटा, मैं 2 मिनट में आया। अब चाहे इधर मैं डूबू, अब चाहे बना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊं। तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई।
चाहे फना हो जाऊं, बस पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई। रणवीर ये क्या स्टूपिडिटी है, जस्ट से सॉरी एंड फॉरगेट अबाउट इट ना। सॉरी कह दोगे तो 2 इंच हाइट क्या कम हो जाएगी, तुम्हारी करियर है, फुटबॉल मैच नहीं, जो ऐसे किक करोगे तो गोल अचीव हो जाएगा। रणवीर रणवीर क्या कर रहे हो रणवीर, स्टॉप इट रणवीर। सॉरी ब्रो। क्या, मुझे कॉलेज नहीं छोड़ना है सर, इसलिए सॉरी ना बोलने की जिद छोड़ दू। थैंक यू। भाई मतलब आज तो तेरा भाई ना पार्टी देने वाला है, मतलब सॉरी बोलना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, आज तो मैं भी टच करूंगा। हो गया रणवीर का पैकअप, चले गए उसे रोड तक छोड़ने। नहीं यार मतलब सॉरी बोल दिया उसने, रणवीर ने तुझे सॉरी बोला। हाँ पट्टू साला, रेस्टिगेशन की हुल क्या दी मैंने, एक झटके में सॉरी निकल गया उसका। रॉकी, रॉकी उड़ जा भाई, तुझे दोबारा सॉरी बोलना है। ज्यादा लगी तो नहीं, देखा तुमने, मैंने रणवीर से सिर्फ एक बार कहा कि सॉरी बोल देना और उसने मेरी बात मान ली। ऑफ कोर्स यार, तू इतना प्यार जो करती है उसे, योर विश इज हिज कमांड स्वीटी। ऐसे ही पापा ने कमांड दे दिया कि आज से मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। इतना बड़ा गुंडा है वो मुझ पे नजर रखेगा तो मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगी। अरे अरे कल क्या होगा उसके डर में खुद को आज ही चला लूंगी क्या, छोड़ तो उसे। वैसे भी उस लड़की से अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो पापा को बता देना, कहीं रणवीर को इन्वेस्टिगेट ना करा दे। अरे अचानक से तेरी शक्ल यूं गीले बेसन से फूले हुए पकोड़े जैसी कैसे हो गई। माँ मैं भूल गई थी,
उस लड़के की गुंडागर्दी की वजह से ना उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर रहा है। मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म। अब ना टेंशन छोड़ और अपनी एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कर। देख बेटा, अब ना तूने एग्जाम पास कर लिया है, स्कॉलरशिप भी मिल गई है, एडमिशन फॉर्म्स भी मिल गए हैं, बस ये मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम पास करके अपनी सीट निकाल। हमारे सपने का आखिरी पड़ाव कल है बेटा। हाँ माँ, आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगी ध्यान लगा के, कल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करूंगी ताकि पापा को ना थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए मुझ पर। अब चाहे फना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन, अब सांस भी मैं।